अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड। आज हम बनाएंगे दही वाले बैंगन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में आधा किलो दही लेकर अच्छे से फेंट लेंगे। दही अच्छे से फेंट ली है। अब पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। फिर एक पाव बैंगन गोल शेप में कटे हुए डालकर हल्का सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। एक तरफ कलर आ चुका है, अब पलट कर दूसरी तरफ भी कलर आने तक फ्राई करेंगे। बैंगन फ्राई हो चुके हैं, अब सारे बैंगन निकाल लेंगे। अब पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। फिर 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून नमक डालकर हल्की आंच में मसालों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मसाले फ्राई करने के बाद 1/4 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला तैयार है, अब सर्विंग डिश में तैयार किया हुआ थोड़ा सा मसाला डालेंगे। फ्राई किए हुए बैंगन रखेंगे। फेंटी हुई दही डालेंगे। फिर से मसाला डालेंगे। बैंगन रखेंगे। फेंटी हुई दही डालेंगे। अब तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 4 से 5 अदद गोल मिर्च डालकर हल्की सी फ्राई करेंगे। अब 1 टीस्पून जीरा डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। तड़का तैयार है, अब दही पर डाल देंगे। हमारे मजेदार दही वाले बैंगन तैयार हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।